जिथे हरदम सरगम गूंजे हरगम दए निवार अथरू इथे चढ़न चढ़ावा जां सिसकी जां हौका हावा दुखड़े दे के मुखड़े लै जाओ गीतां दे शिंगार। सुरजीत पात्र जी दियां सत्रां सतगुरु जगजीत सिंह जी नूं समर्पित सन। जदों एक बारी सेहत ढिली हुई तो भैणी साहब आए, इन्हें साज ते साज निवाज तों असीं गरीब नवाज कहने दीन दयाल कहने, पर सुरजीत पात्र जी ने अपनी रचना विच सतगुरु जगजीत सिंह जी नूं साज नवाज लिखिया। तो सुरजीत पात्र जी आख्या करते हैं कि सतगुरु जगजीत सिंह जी ने नामधारियां नूं सिरदार तो सुरदार बनाया, सुर नूं समझण वाले, सुर दा आनंद मानण वाले। अते सतगुरु जगजीत सिंह जी बचन करिया करते सन कि सुर दा भाव देवता भी है, सुर नूं वस विच करना, सुर दे अनुसारी हो जाना, एक सुर होना, ते असुर नूं राक्षस कहिंदे ने। मैं वेख्या कि सतगुरु जगजीत सिंह जी जे बागवाली कोठी च किसे वेले वक्खो वक्खरी तरह के कई पंछी बोलदे सी, ते हुकम करना इन्हां दी आवाज़ रिकॉर्ड करो, बहुत सुंदर लगदे ने। पर जे कां बोलदा होवे, कां सुर नहीं, सुर च नहीं बोलदा, कां ते कुत्ता असुर ने, बेसुरे ने, ते उन्हां नूं उत्थों भजाउण ते उडाउण वास्ते कहिंदे सी। बेसुरे नूं असुर नूं कदे वी प्रवान नहीं सी करदे। ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने यह कृपा की कि जदों 1959 विच नामधारी पंथ की वागडोर संभाली है, उस वेले भावें हल्ले दे कीर्तन करन वाले होर खुली शैली विच खुलियां रीतां विच कीर्तन करन वाले बहुत सन, पर गुरबाणी अनुसार गुरमत कीर्तन वाले एक जोड़ी सी, संत दर्शन सिंह जी, संत खजान सिंह जी। क्योंकि कुछ रबाबी सन भाई मत्तू सत्तू उन्हां दे नाल दे, ओह पाकिस्तान तो पहलों उधर चले गए। तो सतगुरु जगजीत सिंह जी जदों पहली बारी इंग्लैंड गए 1967 विच, उत्थे हुक्म कीता कि सानू रागी उत्थों क्यों लियाउणे पैण, तुसीं अपने बच्चों नूं राग सिखाओ, तुहाडे बच्चे आप पाठ कर सकन, सारियां धार्मिक रस्मां आप कर सकन। ते हुक्म कीता कि तुसीं किसी भी खेत्र विच चंगे तुसीं कलाकार होवो, तुसीं बेशक डॉक्टर होवो, इंजीनियर होवो, वकील होवो, कुछ भी होवो, वधिया सिख होवो। ते सतगुरु प्रताप सिंह जी जिहड़ा हुक्म कीता सी कि हर सिख दे बच्चे चों राग दी कुछ ना कुछ खुशबू जरूर आउणी चाहीदी है, ते उस नूं मूर्तिमान कीता सतगुरु जगजीत सिंह जी ने। उसे इंग्लैंड विच अज तीन चार शहरां विच लंडन, बर्मिंगम, ते लैस्टर, इत्थे असीं वेखीए ते स्टेज ते 20-25-25-30-30 नामधारी जिहड़े ने उह तंती साजां नाल कीर्तन करन वाले ने, वक्खो वक्खरियां चंगियां वधिया जॉबां करदे ने, कीर्तन करदे ने सिर्फ सतगुरु जी की खुशी लैण लई, कीर्तन की भेटा नहीं प्रवान करदे। ते उत्थे सैकड़ियां की गिणती विच इंग्लैंड विच जिथे सिर्फ हज़ारां की गिणती विच नामधारी ने, सैकड़ियां की गिणती विच संगीतकार ने जिहड़े सतगुरु जगजीत सिंह जी ने सुरदार बनाए, जिहड़े संगीतकार बनाए, जिहड़ा सतगुरु प्रताप सिंह जी दे बचना नूं मूर्तिमान कीता। अते कल इसे स्टेज ते एक प्रोग्राम हो के हटिया सी कि सतगुरु जी दे सिखाए होए उन्हां दे साजे नवाजे, ते उस्ताद हरभजन सिंह जी तो लै के ते छोटे 7-8 साल दे बच्चों तक, जिहदे विच करीब 8-9 पीढ़ियां आ जांदियां ने, 8-9 ग्रुप आ जांदे ने संगीत दे सिख्यार्थी जिहड़े ने, उन्हां सारियां ने, क्योंकि स्टेज उन्नी कु सी 130 उपर आ सके, नहीं तो जे असीं सारे इकट्ठे करिए इत्थे अपने पंजाब चों ही चार छफेरे चों, तो हो सकता 1000 संगीतकार इकट्ठे कर लेंदे। प्रोफेसर प्रीतम सिंह जी इत्थे आए सी, उन्हां ने जदों वेख्या कीर्तन हुंदा इन्ने खुश होए, तो उन्होंने पुछया, उन्होंने दस्या कि इत्थे सतगुरु जी ने वारी इन्हां दी बनाई हुई है आसा दी वार लाउण दी, कीर्तन करन दी। ते सतगुरु जी ने 6-7 उदों पीढ़ियां सी जिहड़ियां इक्को टाइम इत्थे राग सिख रहियां सी, ओह बड़े ही धन धन होए कि सतगुरु जी ने किन्नी कृपा कीती है। कल इत्थे दो बंदशां, एक गीत गाया गया, एक शब्द गाया गया, वह सारे 130 बच्चों ने इकट्ठिया होकर गाया। अज का प्रोग्राम जिहड़ा
श्री राजन साजन मिश्रा जी उन्हां दा गायन होएगा, उहदा तुसीं आनंद माणोगे। तो सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, सारे एक बारी मंच ते आ रहे ने श्री राजन साजन मिश्रा जी, ताड़िया नाल उन्हां दा स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत जीओ आया सतगुरु जी के दरबार विच। ये उन्हों का अपना घर है, सतगुरु जगजीत सिंह सच पाशाही कृपा करनगे, उस्ताद हरभजन सिंह जी भी नाल आ जान जोत प्रज्वलित करन दी। सुरजीत सिंह जी सरंगी वाले वो भी आ जाएंगे, बलवंत सिंह जी। तो एक जड़ी रसम है जोत प्रज्वलित करन दी, जोत जगाउन दी। जोत प्रकाश का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, संगीत सुगंधी का प्रतीक है। इत्थे संगीत ते ज्ञान का समेल है, गुरबाणी का अते संगीत का समेल है। सतगुरु जी कृपा कर रहे ने नाल श्री राजन साजन मिश्रा जी, नाल उस्ताद हरभजन सिंह जी। ये जड़ी सामने तुसी तस्वीर वेख रहे हो, कल ही गुरप्रीत जी बठिंडे वालिया ने यह पेंटिंग बना के भेंट की सी। सत श्री अकाल। साढ़े प्रसिद्ध लेखक इतिहासकार जिन्होंने कविता विच सतगुरु राम सिंह सतगुरु हरि सिंह जी का जस लिखा, वो सतगुरु जी की तारीफ लिखते हैं, वाली माली बाग को पंथ गुलाब रवेल। सतगुरु जी बाग दे माली भी ने ते वाली भी ने। ते सचमुच ही सतगुरु जगजीत सिंह जी बचन करया करते सी, मालक वह हुंदा जिहड़ा उस बाग नूं जिन्हें सिरजिया है, माली हुंदा जिहड़ा उन्हां दी पालना करदा है। ते सतगुरु जिहड़ा है वो उस बाग का सिरजनहार भी है, उसका प्रतिपालक भी है। तो विशेष करके उस्ताद पंडित राजन साजन मिश्रा जी सतगुरु जगजीत सिंह जी दे अपने साजे ते नवाजे, अपने लाए बूटे संगीत दे खेत्र विच इस बुलंदी तक जो पहुँचे ने, तो आप आखते हैं कि यह सतगुरु जगजीत सिंह जी की बख्शिश है। 1975 विच सतगुरु प्रताप सिंह सिमृति संगीत सम्मेलन दिल्ली होया, उत्थे अपना गायन किया इन्होंने सतगुरु जी की हजूरी में। सतगुरु जी ने पूछा कि तुसी इन्ना चंगा गाँवे हो, काम की करते हो? इन्होंने दसिया जी कॉटन मिल है उत्थे बनारस में, उत्थे जॉब करते हैं कलर्क की, उत्थे कबीर चौराहा विच ये जॉब करते हैं। तो कॉटन मिल है सतगुरु जी हुक्म किया कि तुसी कबीर जी दे शहर विच उस मोहल्ले विच रहिंदे हो, उन्हां दा असर तुहाडे ते आ गया कि वह भी बुनते सी तो तुम भी काटन मिल में काम करते हो। पर सतगुरु जी के हुक्म नाल इन्होंने जॉब छड़ी, सिर्फ रियाज करना शुरू किया, फिर दिल्ली आ गए तो इस बुलंदियों तक पहुँचे। इन्हों के पिता पंडित श्री हनुमान मिश्रा जी सरंगी वादक, चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी उन्हों तो गायन की सिक्ख्या शुरू की। उस तो बाद दिल्ली आके वे वे प्रोग्रामा विश्व भर में
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਗੁਰਨ ਘਟਾ ਅਤਕਾਲੀਆਂ ਝੱਪਤਾਲ ਰਾਗ ਮਾਲਕੌਂਸ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਕੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਆ ਹੈ ਵੋ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੈਸਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਮਸਤਕ ਮੇ 24 ਘੰਟੋ ਸੰਗੀਤ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਸਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਦੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ ਪੰਡਿਤ ਸੁਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
हारमोनियम आ रहा है, हारमोनियम सुनाई दे रहा है। एक बार मॉनिटर बंद करके बताइए, मॉनिटर बंद कर दीजिए। मॉनिटर बंद ही रखिए, हारमोनियम थोड़ा सा और बढ़ाइए, हल्का सा। आज हमें इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि हम फिर अपने घर वापस आए हैं। सद्गुरु जी की बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर रही है शुरू से ही, और हमारे मित्र गुरुदेव सिंह जी ने हमें सद्गुरु जी के चरणों का दर्शन करवाया, और उसके बाद सद्गुरु जी की अपार कृपा हम लोगों के पूरे परिवार पे रही हमेशा, और हमें लगता है कि अभी भी हमारे अंदर वो हैं और वही गवाते हैं। आज सद्गुरु जी बैठे हुए हैं, उनसे आज्ञा लेके हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। थोड़ी देर राग श्री गा रहे हैं, और उसके बाद सद्गुरु जी से जो रचनाएं हमने सीखी हैं वो दो तीन चार रचनाएं गाएंगे। पहले राग श्री, इसके बोल हैं, धेनु चरा के आवत कान्हा, सांझ भई सब घर के दीप जले, धेनु चरा के आवत कान्हा। इसके बाद एक हमारे गुरु जी बड़े रामदास जी की चीज है, अब मोरी बाही गहो दीनानाथ। संगीत हमारी पूजा है, सद्गुरु जी के चरणों में हम अपना पूजा अर्पण करने जा रहे हैं। आप सभी लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शार्पनेस कम कर दो ना
कार
अब मोरे बाहे गहो 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 दीनानाथ जगत पालनहार दयालु प्रभु अब मोरे बाहे गहो अब मोरे बाहे गहो दीनानाथ जगत पालनहार दयालु प्रभु अब मोरे बाहे गहो अब मोरे अब मोरे बाही गहो अब मोरे बाहे गहो अब मोरे बाहे गहो दीनानाथ जगत पालन हार दया प्रभु अब मोरे बाहे गहो अब मोरे बाहे गहो अब मोरे दीनानाथ जगत पालन हार दयालु प्रभु अब मोरे भवसागर से पार करो भवसागर से पार करो
जगत विधाता सबके दाता राम दास विनती करत दीनानत जगत पालन हार दयाल प्रभु अब मोरी अब मोरी अब मोरी बाही गा Malini
मालिनिया गुड लव गुड लव गुड लव गुड लव हा मालिनिया हा मालिनिया हा मालिनिया गुड लव फूलन के हरवा मालिनिया गुड लव मालिनिया गुड लव फूलन के हरवा मालिनिया चुन चुन कलिया से जमी और गनू करे हरवा मालिनिया गोद लव मालिनिया गोद लव मालिनिया चुन चुन कलिया से बिछा बिछा Bama bada bama de gari zani za malinia, malinia, malinia. Sare ma ba de gari zani za ba 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 ma ga ma ga ma ga de ga ma ma ga ba ma ba de gari zani za malinia, malinia, malinia. Godala, hula na.
सदगुरु जी से प्राप्त रचनाएं कुछ सुना रहे हैं, उनके साथ उनके चरणों में बैठ के क्या क्या संगीत हमने सुना है, उनका आशीर्वाद लिया है। जीवन नगर में सतगुरु जी 4.5 घंटा अकेले गाए, बोले मेरा तो रियाज नहीं है। हमने कहा बिना रियाज के 4.5 घंटा गा रहे हैं, रियाज करेंगे तब क्या होगा। बोले नहीं मैं तो गाता नहीं हूं। हमने कहा कि आज 4.5 घंटा गाया है आपने। ऐसी ऐसी उनके साथ की याद है। उस्ताद विलायत खां साहब यहीं थे और झूले पे बैठे हुए थे सतगुरु जी और हम लोग भी, खां साहब भी। तो खां साहब ने कहा कि हुजूर कल राजन भैया साजन भैया ने कितना अच्छा गाया। तो सतगुरु जी बोले कि इनकी आदत ही है अच्छे गाने की। ये आदत बना लिए हैं अच्छा गाने का। ऐसी उनकी कृपा रही है हमारे ऊपर। देखिए क्या रचनाएं हैं उनकी। राग मालकोस में एक दो रचना सुनाते हैं। पूरा ज्यादा आ रहा है बलवन, ठीक है। Yeah.
था सतगुरु जी का दिल पे उसका चोट लगता था री का ए बे ए डी ही नू या रब्बा Bye.
लगा अपना तो फजल करी या रबा मेरे बेड़े नो या रबा मेरे बेड़े नो पार लगा पार लगा अपना तू
Yeah.
छेड़े मजदा घाटन आवे रे छेड़े मजदा छेड़े मजदा घाटन मावे नेड़े ना पानी मल्ला या रबा मेरी बहन बेजोरिया चमकान घोरन घटावती कारी बेजोरिया चमकान साथ कीनिया जब गए थे वहां ये बंदिश बनाया था उन्होंने चमकान घोरन घटावती का चमकान घोरन बेजुरिया चमकान घोरन घटावती कारिया बेजुरिया चमकान घोरन घटावती कारिया बेजोरिया चमकान घोरन घटावती कारी बेजोरिया चमकान बेजोरिया चमकान घोरन घटावती कारिया बेजोरिया चमकान घोरन घटावती कारी बेजोरिया चमकान बेजुरिया बेजुरी बेजुरिया हाँ बेजुरिया चमकान घोरन घटावती कारी बेजुरिया चमकान घोरन घटावती बेजुरिया चमकान घोरन घटावती कारी बेजुरिया चमकान ऐसी ऐसी तिहाइयां आते थे सच्चे पातशाह सोच के बाहर की तिहाई होती थी बेजोरिया चमकान बेजोरिया चमकान बेजोरिया चमकान घोरन घटावती बेजोरिया चमकान बेजोरिया चमकान 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 बिजू 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 रिया चमकान चमा चमा चमकान चमा चमकान चमा चमकान घोरन घटावती कारी बिजू रिया चमकान मग धनी धनी धकम बिजू रिया चमकान चमकान
Dani da gama, dani dani dama, dani dani da gama da bijuriya gama. Barasan mega aba, barasan mega aba, na ka aba, na ka barasan mega aba, aba. Barasan mega, barasan mega, Bijuriya chama kanandeya, bijuriya chama ta. Kya jagah hai? Bijuriya chama kanandeya, bijuriya chama ta. Ya, bijuriya chama ta. Ba, bijuriya chama. हाजरी का जगह है बेटा, ये हाजरी का जगह है। हाँ, बिजोरिया चमकान घोरन घटा तिकालिया बिजोरिया चमकान बिजोरिया चमकान बिजोरिया चमकान घोरन घटा तिकालिया।
बिजोरिया चमकान घोरन घटाधिकारी बिजोरिया चमकान घोरन घटाधिकार बिजोरिया चमकान घोरन घटाधिकार बिजोरिया चमकान बिजोरिया चमकान बिजोरिया चमकान घोरन घटाधिकारी बिजोरिया चमकान बिजोरिया चमकान 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 घोरन घटाधिकारी बलवंत ने भी एक बंदिश की फरमाइश कर दी है, एक और रचना सुना के लास्ट में उसको सुनाते हैं। Re 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 ख्वाजा मुइनुद्दीन पीर अजमेर आए ख्वाजा मुइनुद्दीन पीर अजमेर आए ख्वाजा मुइनुद्दीन पीर अजमेर आए आ
अजमेर चार चौदह तब जग मारा राजा देना फिर अजमेर चार चौदह तब ऐसे ऐसे ही कहने को बोलते थे ऐसे बोलो देखो क्या जगह है उसका चार चौदह दबक जग मगा देना फिर अजमेर क्या लोग थे यार हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे महान आत्माओं के साथ बैठने का सौभाग्य मिल गया जिनको नहीं मिला है वो नहीं समझ सकते कि क्या है क्या थे वो कैसे सिद्ध पुरुष थे जो चाहते थे हो जाता था जिसको आशीर्वाद दे दिया वो हो गया और वो हम लोग उसमें से एक हैं जो उन्होंने पीठ थपथपा दिया तो पूरे विश्व में गा बजा रहे हैं चार चौदह तब जगा मगा हुकुम हजरत हुकुम ये चार दुख का चीज है लेकिन सदगुरु जी ने हमसे अकेले में कहा कि जहां गाना दो ही गाना चारों मत गाना ये करोड़ों रुपए की चीज है इसका कोई वैल्यू नहीं है बोले सिर्फ अस्थाई और अंतरा गाना संचारी या भोग मत गाना याद कर लेंगे टेप कर लेंगे ये अपने पास रखना सिर्फ अस्थाई अंतरा गाना अकेले में हमको बोले हुकुम हजरत किया सब बैठे रहे हुकुम हजरत किया सब बैठे रहे भाव कबूत सागर समाए ख्वाजा मोइनुद्दीन फिर अजमेर आए ख्वाजा बन गए पंचम सवारी जरा दे दो बन गए आवन के दिन बीते आवन
मल श्री है साग प बस इतना ही है साग प सा प ग सा प साग प सा सा प प सा सा प ग प सा प ग प सा प आ वन कही ग आज हूं न आए आ वन के दिन बे ग ग प लिख लिख चिट्ठिया भजन जरूर
साधु ऐसा ही गुरु भावे वो उससे समाप्त करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा janani janani main jiyu bin ram main jiyu bin ram ram lakhan सिया बन को गवन कीनो राम लखन सिया बन को गवन कीनो पिता गए सुरधाम जननी मन जियो राम लखन सिया बन को गबन कीनो राम लखन सिया बन को गबन कीनो राम लखन सिया बन को गबन कीनो राम लखन सिया बन को गवन दिनु पिता गए सुधाम जननी मन जियो बिन राम जननी मन जियो बिन dab dani dab ma ba dab re re ga re ga ma sa da ni sa re ga
diga ma ba ma ba da ba da ni ba sa ni da ba sa ni da ba da ni ba da ma ba ga ba de ga ta ga ba da sa re ga re je o bin ram janani main na jiyu jiyu bin ram main भोर हम हूँ बन जई बे हो भोर हम हूँ बन जई अवध आई है के ही काम होत भोर हम हूँ बन जई बे अवध आई है के ही काम कपटी कुटिल कुबुद्धि अभागिनी कौन हरयो तेरो ज्ञान जननी कौन हरयो तेरो ज्ञान जननी जननी दोष देते हैं नाही कियो भल काम तुलसीदास प्रभु आस चरण के तुलसीदास प्रभु आस चरण के भय विधा सद्गुरु जी के चरणों में साधो ऐसा ही गुरु भावे जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे उन्हीं के लिए है उन्हीं के चरणों में है साधो 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 ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे
ऐसा ही गुरु भावे राग रंग का भर भर प्याला राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे नाद छिपा तन में ले मन में नाद छिपा तन में ले मन में को पता ना पावे नाद छिपा तन में ले मन में को पता चांद सूरज का लोचन गुरु का चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे और दिखावे साधो ऐसा ही गुरु परमहंस गुरु अंस रूप जब हृदय बीच बिराजे परमहंस गुरु अंस रूप जब हृदय बीच बिराजे परमहंस गुरु रूप जब हृदय बीच बिराजे परमहंस गुरु अंस रूप जब हृदय बीच बिराजे सात सुरों की वाणी मेरी सात सुरों की वाणी मेरी ओंकार धुन गावे साधो ऐसा ही गुरु भावे जो राग रंग का भर भर प्यारा राग रंग का भर भर प्यारा पीवे और पिलावे साधु ऐसा ही गुरु ऐसा ही Sai Sai
सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करनगे हुण पंडित उस्ताद राजन साधन मिश्रा जी नूं सतगुरु जगजीत सिंह जी की तस्वीर वाला यादगारी चिन्ह बख्शिश करनगे। सचमुच ही इन्हां दे गायन दे दौरान साहिब कलगीधर पातशाह दीआं ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੂਪਮਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਜੈ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤ ਹਰਿ ਕੋ ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰਗ ਉਕਟੈ ਤਾਣ ਤਰੰਗ ਰੰਗ ਅਤ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬੰਧਾਨੰਗ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਸੁਣੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7:45 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜੀ।